नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम क्यूब पे। मायसेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। आज हम लोग देखेंगे रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय की डिफिनेशन और उसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय द एम्प्टी सेट। हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं, दो सेट्स का एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कोई सेट ए है और ए ऐसा है कि सभी एक्स, जहां एक्स क्या है, किसी स्कूल के कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। ए एक सेट है सभी एक्स का समूह, जहां एक्स क्या है, किसी स्कूल के कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। एक सेट हम लोगों ने ए ले लिया, एक सेट और ले लेते हैं बी। बी सभी एक्स का समूह, जहां एक्स क्या है, एक्स किसी स्कूल के कक्षा 10 तथा कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी। तो सेट ए हम लोगों ने क्या लिया, किसी भी स्कूल के क्लास 11th में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं सबका सेट हो गया। बी सेट क्या है, किसी स्कूल के कक्षा 10 तथा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समूह। तो सेट ए को हम लोगों को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो किसी भी स्कूल, जिस स्कूल का बोला जाएगा, उस स्कूल के क्लास 11th में जितने भी विद्यार्थी हैं, हम लोग उसका जाके पता करके उनको लिस्ट कर लेंगे। तो ये क्या है, सेट ए है। सेट बी क्या है, किसी स्कूल के कक्षा 10 तथा कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समूह। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट एक साथ क्लास 10th और 11th दोनों में नहीं पढ़ सकता, यानी एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 10th और 11th दोनों में पढ़ता हो। तो उस हिसाब से बी सेट में कोई भी अवयव नहीं होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट आपको किसी भी स्कूल में मिलेगा ही नहीं जो 10th और 11th दोनों में पढ़ता हो। तो ए हमारा सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट मिलेंगे आपको, लेकिन बी ऐसा सेट है, बी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। किसी भी स्कूल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा 10 और 11 दोनों में पढ़ता हो। तो बी सेट क्या होगा, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोला जाता है। जिस सेट में एक भी एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है, रिक्त समुच्चय बोला जाता है। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे कि समुच्चय बी में कोई भी अवयव नहीं होगा, एक भी स्टूडेंट आपको नहीं मिलेंगे, कोई भी अवयव नहीं होगा, क्योंकि कोई विद्यार्थी एक साथ कक्षा 10 और कक्षा 11 में पढ़ाई नहीं कर सकता, और ए सेट में कुछ एलिमेंट आपको मिलेंगे, बी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा,
तो उसी को बोला जाता है एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, जिस समुच्चय में एक भी एलिमेंट नहीं होता उसी को बोला जाता है रिक्त समुच्चय। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं। रिक्त समुच्चय की परिभाषा हम लोग लिखते हैं, ये परिभाषा आपका जो है डिफिनेशन नंबर वन है, पहला डिफिनेशन है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वही चीज है कि जिस जो है जिस समुच्चय में एक भी अवयव या एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको रिक्त समुच्चय बोला जाता है, यानी एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय, या इसको शून्य समुच्चय भी बोला जाता है। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है या नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय और शून्य समुच्चय एक ही बात है। जिस समुच्चय में एक भी अवयव या सदस्य नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल जो हम लोगों ने दिया था उसमें जो है लिख देंगे हम लोग कि समुच्चय बी जो हम लोगों ने लिखा था, समुच्चय बी एक रिक्त समुच्चय है, समुच्चय बी एक रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं या मजला ब्रेकेट से। तो एक लाइन हम लोग इसमें और भी लिखेंगे कि रिक्त समुच्चय को फाई या ए मजला ब्रेकेट ऐसे दोनों बंद कर देते हैं से निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका रिक्त समुच्चय का डिफिनेशन एकदम क्लियर हो गया, जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होगा उसको रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय बोला जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है जिसमें हो गए नहीं। अब इसका हम लोग एग्जांपल्स लिखते हैं, एग्जांपल जो है रिक्त समुच्चय का। पहला सेट हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं एक सेट हम लोगों ने लिखा ए, सभी x का जो है समुच्चय जहां पे x क्या है, जहां पे x प्राकृत संख्या है, सभी x का समुच्चय जहां x प्राकृत संख्या है और x क्या है ग्रेटर देन वन लेस देन टू, ये हम लोगों का एक सेट लिखा है समुच्चय ए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में, कि उन सारे x का आपको समूह लिखना है, समुच्चय लिखना है, वो प्राकृत संख्या होना चाहिए x, और क्या होना चाहिए वन से बड़ा और टू से छोटा। तो प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं अगर नंबर लाइन पे देखें तो वन है, वन के बाद क्या है टू है, वन और टू के बीच में तो कोई प्राकृत संख्या नहीं है ना, तो ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे कोई भी एलिमेंट इसका इसमें इस सेट में नहीं होगा, क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या ऐसी नहीं है जो वन से बड़ी हो और टू से छोटी हो, वन और टू के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि समुच्चय ए एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या ऐसी नहीं होगी जो वन से बड़ी और टू से छोटी हो। इसका हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ए
एक सेट हम लोग बी इक्वल टू एक्स सेट डिफाइन करते हैं, सेट बी सभी एक्स का समूह जहां एक्स ऐसा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर और एक्स एक एक्स एक आपस में संख्या है, यानी उन सभी एक्स का समुच्चय जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर को सेटिस्फाइड करते हो, और क्या होना चाहिए, एक्स एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसका हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर को सेटिस्फाइड करने वाले एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की वैल्यू टू और माइनस टू। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर को सेटिस्फाइड करने वाले कितने एक्स हैं, दो एक्स हैं, एक टू है और एक माइनस टू है। टू और माइनस टू दोनों ही परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू बाई वन, और माइनस टू को भी लिख सकते हैं माइनस टू बाई वन। तो ये दोनों परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, पी बाई क्यू के रूप की, और पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, जहां पी क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब इसका हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन, तो क्या होगा, इसमें एक भी अवयव नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि बी एक रिक्त समुच्चय है। तो हम लोग बहुत सारे समुच्चय लिख सकते हैं कि जो रिक्त समुच्चय हो, रिक्त समुच्चय का मतलब कि उसमें एक भी एलिमेंट ना हो। अगर वो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है तो उस इस हिसाब से लिखा होगा कि उसको सेटिस्फाइड करने वाले कोई भी अवयव आपको नहीं मिलेंगे। इसका एक और एग्जांपल हम लोग एक दो देखते हैं। रियल लाइफ पे एक एग्जांपल हम लोग बनाते हैं कि सी एक सेट हम लोग डिफाइन करते हैं, सभी एक्स का समूह जहां एक्स क्या है, सभी एक्स जहां एक्स एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 रन बनाने वाला एक खिलाड़ी है। तो हम लोग लिस्ट क्या करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, एक समुच्चय हम लोगों ने डिफाइन किया कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जो होता है 50 ओवर का, उसमें किसने 300 रन बनाए हैं, उन सारे क्रिकेटर्स का जो है लिस्ट अगर हम लोग बनाएंगे, तो किसी भी क्रिकेटर्स ने, हम लोग जानते हैं कि एक दिवसीय क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 रन नहीं बनाए हैं 50 ओवर के मैच में, तो ये भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। सी ए रिक्त समुच्चय है अभी तक, क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं बनाया, तो आज के डेट में जो है ये रिक्त समुच्चय, हो सकता है कोई भविष्य में बना ले तो रिक्त समुच्चय ना रह जाएगा। सी ए रिक्त समुच्चय है क्योंकि किसी भी खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 रन नहीं बनाए हैं। तो आज के डेट तक जो है, हो सकता है फ्यूचर में कोई 300 रन बना दे तो यह रिक्त समुच्चय नहीं रह जाएगा। तो ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। एक सेट हम लोग डी डिफाइन करते हैं, सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स क्या है,
एक्स जो है दो से बड़ी सम, दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या है। एक सेट हम लोगों ने डी डिफाइन किया। डी कैसा है कि एक्स दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, उनको अभाज्य संख्या बोला जाता है। एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, एक को अभाज्य नहीं बोला जाता, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक का केवल क्या है, केवल एक फैक्टर है, केवल एक इसके फैक्टर हो गए। दो दो अभाज्य है क्योंकि दो का फैक्टर एक एक है और एक दो है, और दो सम भी है, तो अभाज्य संख्या क्या है, ये सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है? सम अभाज्य संख्या। दो अभाज्य भी है और सम भी है। अब हम लोग जानते हैं अगर दो से बड़ी कोई संख्या जो है सम होगी, दो से बड़ी कोई संख्या सम होगी और वो अभाज्य भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सम अभाज्य होगा, सम होगी और अभाज्य भी होगी, तो उसके तीन फैक्टर मिल जाएंगे, दो मिल जाएगा और एक वो संख्या और एक एक। तो इसलिए दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या इस दुनिया में कोई भी संभव नहीं है, क्योंकि सारी संख्याएं क्या होगी, दो से बड़ी जो अभाज्य होगी वो विषम होगी, दो से बड़ी सम अभाज्य संख्या कोई भी नहीं है। तो ये क्या होगा हम लोगों का, ये डी ए रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है क्योंकि दो से बड़ी कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होती। तो हम लोगों ने आज जो है क्या देख लिया, रिक्त समुच्चय का डिफिनेशन देख लिया और इसके एग्जांपल देख लिए। एग्जांपल्स जो है आपके लगभग वही है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। इसके बाद हम लोग इसके आगे करेंगे।